आप वर्दी पहन लेते हैं ना तो आप जेंडर ब्लाइंड हो जाते हैं, और जब आप जेंडर ब्लाइंड हो जाते हैं आपके अंदर खुद ब खुद वो पावर्स आ जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने वर्दी पहनी है तो मुझ में खुद ब खुद अल्लाह ताला ने वो खौफ खत्म कर दिया है, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं क्रिमिनल्स के साथ डील नहीं कर सकती। ये वर्दी है, ये इसका कमाल है, ये झंडे का कमाल है, अदरवाइज इंसान डेफिनेटली उसे डर लगता है। मेरा नाम नयाब मुइस है, मैं लाहौर से हूँ। बेसिकली मैंने शोबे का इंतखाब इसलिए किया क्योंकि सीएसएस करना मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन मैं पुलिस वुमेन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थी हमेशा से। मुझे पुलिस इंटरनेशनल तौर पे भी और नेशनल तौर पे भी पुलिस वुमेन को देखने का बहुत शौक था, और मूवीज़ भी मुझे हमेशा पुलिसिंग वाली पसंद थी। इसके अलावा माई फादर ऑल्सो मोटिवेटेड मी, वो समझते थे कि खातून को कमज़ोर नहीं होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, वो भी मुझे मोटिवेट करते थे। तो आफ्टर मैरिज हस्बैंड ने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया कि यू कैन जॉइन दिस सर्विस। मेरी एक छोटी सी बेटी है, शी इज़ 3 ईयर्स ओल्ड, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी है मेरी ज़रा, मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करती है। जहाँ मुझे लगता है कि ऑपरेशनल ड्यूटी बहुत ज़्यादा सख्त है तो फिर मैं उसे अपनी मदर इन लॉ के पास छोड़ती हूँ, तो कभी वो मेरे पास होती है, कभी मदर इन लॉ के पास होती है। तो घर की तरफ से सपोर्ट है। पेशावर में मेरी तैनाती हुई बतौर STPO, तो चैलेंजिंग तो इसलिए है कि कल्चरल बैरियर हो सकता है, लेकिन ये है कि सीनियर्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा था। IG खैबर पख्तूनख्वा ने मुझ पर ट्रस्ट किया, CCPO ने और SSP ऑपरेशंस मुझे गाइड किया प्रॉपरली कि इस तरह की डायनामिक्स को आप किस तरह कंट्रोल करेंगी और आपके पुलिसिंग के स्टेप्स क्या होंगे। पर्सनली मैं कम्युनिटी पुलिसिंग को ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो मुझे लगता है कि हैदराबाद में आई विल बी डूइंग कम्युनिटी पुलिसिंग। यहाँ पर आने के बाद SDPO के तौर पे ये बहुत बड़ा मसला है कि मुझे ये जुबान नहीं आती, वो बाकी लोग इसी में कम्युनिकेट करते, लेकिन मैंने वो सेंटेंसेस बोलना स्टार्ट कर दिए हैं जो कि एक पुलिस ऑफिसर को लाजमी आने चाहिए। जैसे गम अकावा किसी विक्टिम को देखें तो आप ये सेंटेंस बोलते हैं, तो आई एम लर्निंग इट और आई होप के 1-2 महीने में आई विल हैव ग्रिप ऑन। चूंकि पुलिस में खवातीन ऑफिसर्स बहुत कम तादाद में मौजूद हैं, इसलिए ये खवातीन विक्टिम्स के लिए बहुत बड़ा इशू है। वो अपना कोई भी मैटर खवातीन के साथ तो डिस्कस कर सकती हैं, इजी होती हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई फीमेल कांस्टेबल है, चाहे फीमेल सब इंस्पेक्टर है, लेकिन एक मर्द के साथ इस तरह की बातें करते हुए वो शाई करती हैं।